जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज है हमारे सामने यहां पे फोर्स की सिटी लाइन। भाई फोर्स ना एक अपने आप में ही एक बहुत अच्छा बेहतरीन इंडियन ब्रांड है। अगर मैं इस ब्रांड की बात करूं भाई, मर्सिडीज़ को, बीएमडब्ल्यू को, उनको ये इंजन्स बना के देता है। साथ ही साथ इंजन्स पे, ट्रांसमिशंस में कई जगह पे फोर्स अपना काम कर रहा है। इसके साथ जो पूरा फोर्स का पोर्टफोलियो इस टाइम पे करेंटली है, वो भाई यहाँ पे फोर्स का 2600 सीसी इंजन यहाँ पे मिल रहा है, जो इसके फोर्स के कंप्लीट पोर्टफोलियो में यहाँ पे आ रहा है। तो ये 2600 सीसी जो इंजन है ना इस गाड़ी का, ये भाई मर्सिडीज़ को भी फोर्स दिया करता था, राइट? ये इंजन दिया करता था। आप देखो भाई, सबसे रिलायबल इंजन है ये। 2600 सीसी के इंजन पे इस पूरे के पूरे फॉर्म का, फोर्स का पूरा पोर्टफोलियो इसी पे, इंजन पे बेस्ड है। भाई ये जो कार आती है ना, ये आती है लैडर ऑन फ्रेम चेसिस के ऊपर, बॉडी ऑन फ्रेम इसका प्लेटफॉर्म है। प्लस इंडिया की ये गाड़ी पहली MUV है कार, जो कि भाई 10 सीटर में हमें फ्रंट फेसिंग सीट्स पे देखने को मिल रही है। ये हुई कार कमर्शियल में, भाई ये यूज़ रहेगी अभी फ़िलहाल के लिए तो। लेकिन यार बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, और जो इसका प्रोडक्ट लाइन है ना, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 1985 में फोर्स की ट्रैक आई थी, जिसके कंटिन्यूसली जनरेशन आते आते आज हम यहाँ पर आए हैं। अब देखो यहाँ पर फोर्स का हमें कहीं पर भी बेज नहीं नज़र आ रहा। आगे अगर मैं देखूं, यहाँ मेरे को सिटी लाइन का बेज नज़र आ रहा है, प्लस क्रोम स्टड्स के साथ में हमें ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये पार्ट हुआ यहाँ पे फ्रंट का। इसके साथ में ना भाई ये हेडलैम्प्स देखो, हेडलैम्प्स हमें ना यहाँ पे, ये हेलोजन लैम्प्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लो बीम हाई बीम के, और साइड टर्न इंडिकेटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कितने वाइड हैं। आप ये देख रहे हो कि कितने ज़्यादा चौड़ाई हैं, कितने ज़्यादा इसके वाइड हैं इसके हेडलैम्प्स। ये हुआ। प्लस आप ये देखो 3M की यहाँ पे टेपिंग पे भी नज़र जा रही है, जो कि ये रिफ्लेक्टर्स हैं। भाई ये ना बम्पर पे भी नज़र देखिए, ये बम्पर भाई मजबूत बिल्कुल। तो ये यहाँ पे बम्पर हमें देखने को मिल रहा है, सिंगल बोल्टेड हमें यहाँ पे व्हील आर्स देखने को मिल रही है। तो यार कमर्शियल में अगर ये गाड़ी देखो जाएगी, तो सिंगल बोल्टेड से फ़ायदा क्या हो रहा है, एक तो लुक को भी एनहेंस कर रहा है, साथ ही साथ ना इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। यहाँ पर भाई एक नज़र ये भी डालो टायर के प्रोफाइल पर, 15 इंच का हमें यहाँ पे स्टील व्हील देखने को मिल रहा है, 215/75 R15। ये यहाँ पे बाहर इसका व्हील कवर फोर्स की बेजिंग के साथ में। भाई ये गाड़ी जो आती है ना, ये गाड़ी फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ में आती है, प्लस रियर के अंदर ये लीफ स्प्रिंग के साथ में आ रही है। गाड़ी के अंदर फ्रंट में रोल ओवर बार दे रखी है, साथ ही साथ ABS EBD के साथ में ये गाड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो भाई ये हुआ। इसके साथ में ना गाड़ी का व्हील बेस देखिए भाई, 3050 mm का गाड़ी का व्हील बेस है। कितनी वाइड कार है भाई, देखो कितना लंबा इसका व्हील बेस है। तो 9 जने ना भाई कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तो 9 के साथ में आप कंफर्टेबली लोगों को बिठा सकते हैं। प्लस ये चीज़ इसकी विंडोज़ देखिए भाई, कितनी वाइड विंडोज़ हैं। तो फोर्स में अगर मैं सिटी लाइन में यहाँ देख रहा हूँ ना, ये देखिए भाई ड्राइवर की यहाँ पे सेकेंड पे थर्ड रो, पीछे फोर्थ रो, भाई ये यहाँ पे काफ़ी चौड़ी वाइड विंडोज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसके साथ नज़र जा रही है यहाँ पे FM 2.6 CR के बेज के साथ, यहाँ साइड टर्न इंडिकेटर हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लस ये यहाँ ORVM यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि मैन्युअली आप इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। भाई ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये है ड्रेनेज सिस्टम इस पूरी की पूरी कार का। सो ये कार की अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ, ये कैटेगरी है MUV व्हीकल, सो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है इस कैटेगरी का नाम। ये पार्ट हुआ यहाँ पे साइड से। एक बार ना मैं आपको यहाँ पे रियर में लेके चलता हूँ। अब ये रियर में ना भाई थोड़ा सा अगर आप देखो, इसके यहाँ पे हमारी नज़र जो जा रही है वो इसके यहाँ लीफ स्प्रिंग पे जा रही है, ये देखिए भाई। सो ये पार्ट हमारा आया नीचे लीफ स्प्रिंग का, सिटी लाइन का हमें बेहतरीन यहाँ पे बेज मिल रहा है। बता दूं भाई ये गाड़ी ना 3 कलर्स के अंदर अवेलेबल है। मेरे सामने ये वाइट कलर है, ब्लैक में आएगी दूसरे कलर में, तीसरे कलर में ग्रे में आएगी। अब इसकी ना यहाँ पे आप टेल लैम्प्स देखिए, टेल लैम्प्स में अगर मैं बात करूँ, ये कम्प्लीट हेलोजन सेटअप है। कुछ इस तरीके से हमें टेल लैम्प्स देखने को मिलेंगी। प्लस यहाँ पर भाई लोअर पार्ट जो बम्पर है, हमें यहाँ रिफ्लेक्टर 3M के रिफ्लेक्टर टेपिंग के साथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप नज़र डालिए, इसमें यहाँ पे 4 हमें रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिल रहे हैं, 2 इधर 2 इधर। भाई इसकी मोटाई देखिए, एक्चुअल में सेंसर जो है ना, सेंसर तो बस यही है, लेकिन ये जो पार्ट है ना इस बम्पर के साथ लेवलिंग के लिए इसको यूज़ किया गया है। ये हमें यहाँ मिला भाई रिफ्लेक्टर,
रियर का हमें फुटरेस्ट देखने को मिल रहा है, सिटी लाइन के साथ ये बेस देखने को मिल रहा है स्पेयर व्हील के ऊपर। और भाई ये स्पेयर व्हील का ना कवर अच्छा खासा मोटा कवर है, सेम बॉडी कलर्ड हमें कवर देखने को मिल रहा है फोर्स की बेजिंग के साथ में। साथ ही साथ भाई ये सिटी लाइन ना यहाँ पे भी हमें बेस देखने को मिल रहा है विद BS6 इंजन के साथ में। प्लस रियर का आप ये देखिए भाई कितना ज़्यादा वाइड ग्लास है, कितना वाइड व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब भाई सिटी लाइन के पास में यहाँ पे अंदर आते हैं, अंदर से गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई डोर पे ना यहाँ पे ये येलो कलर्स के उस पर रिफ्लेक्टर पे नज़र जा रही है, जहाँ पे टायर साइज़ के बारे में कितना यहाँ पे लेडन अनलेडन पे गैस का प्रेशर रहना चाहिए, सो ये टायर प्रेशर के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे, ये देखने को मिल रहा है। ये पार्ट आप देखिए भाई, डोर कुछ हमें ऐसे मिलेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पतले दरवाजे हैं और ये स्ट्रिप वाले डोर हैं। तो स्ट्रिप वाले डोर से ना भाई लो मेंटेनेंस होते हैं। अब इससे क्या होगा, मान के चलो ये डोर कल को डैमेज हुआ, सिंपल ये सिंगल पैनल है दरवाजे का, इसे निकाला चेंज किया और बात ख़त्म, कोई यहाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऐसा कुछ वो नहीं है। ये हमें यहाँ पे लॉक के लिए दे रखा है, ये ग्रैब हैंडल दे रखा है, मैप पॉकेट्स कुछ ऐसी दे रखी हैं। अब ये हमें यहाँ पे स्टील का फुटरेस्ट देखने को मिल रहा है, प्लस आप देखिए सीट फैब्रिक सीट्स हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो आपको एक बार इसे दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके की भाई फैब्रिक सीट्स मिल रही हैं। सीट्स बकेट सीट्स तो नहीं है, लेकिन यस थोड़ा अच्छा इसका बेटर क्वेश्चन है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में हमें यहाँ देखने को मिल रही है, स्टेयरिंग हमारा ये है, प्लस ये हॉर्न की क्वालिटी हुई। इसके साथ में भाई ये डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में अगर मैं बात करूँ ना भाई, ये कम्प्लीट सिंगल टोन में ये कलर में हमें ब्लैक टोन में हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं एक बार गाड़ी की ड्राइवर सीट पे और देखते हैं। अरे रुको रुको भाई, ये भी तो देखो यार, चाबी, तीन चाबियां हमें गाड़ी में फोर्स में देखने को मिल रही हैं। तो सिटी लाइन 3 की के साथ में ये हमें ऑफर हो रही है कुछ ऐसे। सेंट्रल लॉकिंग इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये तो एसेसरीज में लग जाएगी। ये पार्ट हुआ, अब गाड़ी में बैठते हैं भाई। ये मैं जैसे यहाँ पे बैठा हूँ ना, आप देखो भाई मेरा जो बैठने का पोस्चर है इसके ग्रैब हैंडल के साथ, आप यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है ना भाई, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी ऊंचाई पे मैं बैठा हूँ। आप ये देखो बॉनेट मेरे को ना क्लियरली उसका एंड टू एंड पॉइंट विजिबल हो रहा है। तो भाई यही मतलब एक अच्छी USP है इस गाड़ी की। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कहीं मैं गांव देहात पे गाड़ी को अगर लेके जा रहा हूँ तो ईजीली ना भाई मैं जज कर सकता हूँ। सामने मेरे को बिल्कुल अच्छा बेटर अच्छा वाइड व्यू देखने को मिल रहा है, IRVM हमें देखने को मिल रहे हैं मैनुअली, प्लस ये कुछ सनशेड्स ऐसे दे रखे हैं। ओके, 2 DIN का हमें यहाँ पे सिस्टम का प्रोविजन देखने को मिल रहा है, AC वेंट देखने को मिल रहे हैं, फोर्स का बेज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ये कैविटी देखने को मिल रही है। ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से इसका ग्लोव बॉक्स है, ये पार्ट यहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई, हैजार्ड लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, रीजनरेशन के लिए यहाँ पे स्विच देखने को मिल रहा है। ये है AC का कि AC और हीटर जलाने के लिए ये हमें स्विच देखने को मिल रहा है, प्लस ब्लोअर। तो मैं ब्लोअर को टोटल 4 उस पे लेवलिंग पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ फैन को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, प्लस ये सर्कुलेशन मोड हो गए, रीसर्कुलेशन ऑन और ऑफ करने का हमें ये यहाँ पे मिल रहा है, मिल गया AC यूनिट मिल गई, दो हमारे पास में मोड आ गए AC मिनी और AC मैक्स 12 वोल्ट का हमें चार्जिंग का यहाँ पे प्रोविजन देखने को मिल रहा है। इसके साथ एक ये अच्छा पॉकेट दे रखी है यहाँ पे कॉइन्स रखने के लिए, प्लस ये भी भाई देखिए 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है ये, तो वायर बेस्ड ये ट्रांसमिशन है, तो काफ़ी अच्छा रिलायबल इस गाड़ी का ट्रांसमिशन है। और ये आप देखिए भाई पावर विंडोज़ के कंट्रोल, 4 हमें कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं, ऑल 4 विंडोज पावर विंडोज है, कप होल्डर की कैविटी। जैसे मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो ये मैंने ये लगाया चाबी, देख रहे हो भाई, तो ये कुछ कार है, गजब भाई गजब, मतलब अंदर ना लग रहा है कि मैंने कुछ स्टार्ट किया है यहाँ पे, जान तो है भाई गाड़ी में। और ग्रैब हैंडल देखो, ये इधर भी दे रखे हैं, इधर भी चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे ऊपर ग्रैब हैंडल है। हमें यहाँ पे AC की ना 2 कूलिंग कॉइल देखने को मिल रही हैं, एक यहाँ पे फ्रंट में कूलिंग कॉइल है, एक यहाँ सेकंड रो के लिए रियर में है। अब आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा और इसे डिटेल्ड में, ये देखिए भाई ये कूलिंग कॉइल, दूसरी कूलिंग कॉइल है जो यहाँ पे इस पूरे केबिन को पीछे तक पूरा ठंडा करेगी। यार बहुत अच्छा वाइड केबिन है आप देख रहे हो। अब मैं एक बार ना सेकेंड रो में चलता हूँ, सेकेंड रो में बैठ के आपको दिखाता हूँ।
भाई अब सेकंड रो में अगर मैं बात करूँ ना, हैंडल देखिए, हैंडल भाई कैसे खुलते हैं इसके, यहाँ पीछे लैचेस दे रखे हैं इसके। अब ये सीट ना यहाँ पे भाई 60-40 की स्प्लिट दे रखी है। सारी की सारी फ्रंट फेसिंग सीट है। इंडिया की फर्स्ट MUV व्हीकल है जिसके अंदर भाई 9x9 सारी की सारी सीट्स फ्रंट फेसिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये हुआ, ये पार्ट आप सेकंड रो में देखिए भाई, ये सीट हमें कुछ इस तरीके से फैब्रिक देखने को मिल रहा है, फैब्रिक सीट है कंप्लीट। ये सारी की सारी फ्रंट फेसिंग पे सीट्स हैं, हमें इंडिया की फर्स्ट MUV व्हीकल है ये। कुछ यहाँ पे ऐसा स्पेस, प्लस मैं आपको यहाँ अंदर बैठता हूँ तो ग्रैब हैंडल मेरे को देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अंदर आते ही ना 12 वोल्ट का हमें चार्जिंग का पॉइंट यहाँ पे भी दे रखा है। इसके साथ एसी का भाई ये यहाँ पे एक एसी यूनिट दे रखा है जिसकी स्पीड मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, हाई लो ऑफ। तो यहाँ पे इस एसी का टेम्परेचर, इस एसी का टेम्परेचर मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ, हाई और लो पे सीधा दो ही मोड्स हमें दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। ये है, अच्छी क्वालिटी है भाई कुल मिला के। यहाँ पे ये पार्ट हुआ। अब इस सीट को पहले बेंड करते हैं, हमें यहाँ पे टंबल लीवर दे रखे हैं तो इसको मैंने दबाया पहले और इसे दबा कर सीट ऐसे डाउन करी, ये कुछ ऐसे हुआ। नीचे ये मेरे को स्ट्रिप दे रखी है, इस स्ट्रिप को खींचा और ये सीट ऐसे हो गई, सिंपल। ये हमें यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, लेकिन भाई ये एंट्री एग्जिट करने के लिए नहीं है। कभी आपको सामान को, इसको, लगेज के बूट को, केबिन एरिया को, कभी आपको केबिन एरिया को बड़ा बनाना है तो भाई इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक्सेस करना है आप वहीं से लेफ्ट साइड से करेंगे। तो ये पार्ट हुआ कुछ ऐसे। अब एक बार इसको नॉर्मल करते हैं और इसकी थर्ड रो के अंदर भी चलते हैं और जाके देखते हैं। अब ये ऊपर कैसे आएगा, ये फिर से टंबल का स्विच किया, ये कुछ ऐसा। अब भाई यहाँ लेफ्ट साइड में हम आ गए हैं, तो सबसे पहले यही टंबल स्विच है, इसको ऊपर को किया जिससे ये सीट कुछ ऐसे यहाँ पे आ गई। हेडरेस्ट सारी सीट्स पे दे रखे हैं भाई, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। अब ये यहाँ पे एक फिर से इसको खींचा एंड दैट्स इट। सो ये इजी एंट्री एग्जिट के लिए मेरे पास में है भाई यहाँ पे कन्वीनियंस। ये देखिए भाई सिंपल, ये आ गए यहाँ पे केबिन पे, वाटर बॉटल होल्डर रबड़ वाले देखने को मिल रहे हैं। ओके भाई कुछ ऐसा, ये यहाँ पे है स्पेस थर्ड रो का। शीशे देखो यार कितने ज़्यादा वाइड हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना मतलब पूरा व्यू नज़र आ रहा है यार। ये देखो कितने वाइड यहाँ पे ग्लासेस दे रखे हैं, ये ग्लास देखो। अब इसके साथ ना ये तो सीट्स हुई, इसके और पीछे आपको लेके चलता हूँ। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फोर्थ रो है भाई, फोर्थ रो पे अभी चलते हैं। ये आ गया भाई, भाई गाड़ी ना अंदर से बहुत खुली है, देखो ये तो सीट आगे पीछे नहीं हो सकती हैं, बट ये है कितना सही है, मतलब ये ठीक है। और ये ऐसे जगह होगी तो ईजिली पैर बाहर निकाल के बैठ सकते हैं, बैठा जा सकता है, कम्फर्ट है यार, अच्छा लेग रूम है, तो कुछ ऐसा मिल रहा है। हेडरूम हमें देखने को बेटर मिल रहा है यहाँ पे। रियर में भी बॉटल होल्डर्स हैं, प्लस ये देखिए भाई पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल इधर भी दे रखे हैं, इधर भी ग्रैब हैंडल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। भाई बाहर आते हैं, अब मैं आपको इसकी ना लास्ट इसका बूट का एरिया दिखाता हूँ। तो कुछ ये पार्ट हमें यहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है, जो रियर डोर मैंने खोला है ना भाई सॉलिड है, मतलब वो फील आ रहा है जो फोर्स वाली चीज़ का आना चाहिए ना, बिल्ड क्वालिटी एक नंबर भाई, मज़ेदार। ये है रियर का, बिल्कुल ये स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना है तो यहाँ इस स्ट्रिप को ऐसे खींचा, ये कुछ ऐसे किया एंड दैट्स इट। तो भाई ये हमें कुछ ऐसा, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं सिटी लाइन में, ये पूरा का पूरा स्पेस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार ना आपको मैं गाड़ी का फ्यूल टैंक भी दिखाता हूँ। तो 63.5 लीटर का इसमें हमें फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है। तो भाई की को खोला, ये हमें यहाँ इस तरीके का फ्यूल टैंक यहाँ देखने को मिल रहा है।
आप गाड़ी के बोनेट के पास चलते हैं। तो भाई ये यहाँ पे मैंने बोनेट खोला, सिंपल यहाँ एक लैच है, ये रहा भाई यहाँ एक लैच है भाई, ये लैच है ठीक भाई। अब मैं आपको ना इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। 2600 सीसी का इस गाड़ी का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन आ रहा है, 90 bhp की ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 250 न्यूटन का टॉर्क दे रहा है भाई, 250 न्यूटन का टॉर्क। एक चीज़ और गौर करने वाली है, ये जो टॉर्क शुरू हो रहा है ये टॉर्क 1400 से शुरू होता है और 2200 rpm तक जाता है। तो वही गाड़ी का जो फ्लैट टॉर्क है ना, लो rpm से हमें ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, जिससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ना आप 9 जने जब गाड़ी में टोटल 10 जने बैठे हैं ना, आप उनको जब लेके जा रहे हो भाई, बहुत अच्छा गाड़ी के अंदर खींचने की क्षमता मिलेगी, बहुत बेटर टॉर्क है। क्यों? लो rpm से काम कर रहा है। 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की हमें यहाँ पे सिटी लाइन की वारंटी देखने को मिल रही है। इंजन ऑयल भाई हर 20,000 में इसका चेंज होगा, इंजन ऑयल हर 20,000 में चेंज हो रहा है भाई। 6 फ्री सर्विस हैं और क्या चाहिए भाई, ये ना फोर्स का भरोसा है, लिटरली फोर्स का भरोसा है। क्यों? आप देखो इस पूरी ऑटो इंडस्ट्री में ना 3 साल 3 लाख किलोमीटर कोई आपको वारंटी नहीं दे रहा कमर्शियल इसमें, साथ ही साथ 20,000 में इंजन ऑयल चेंज, 6 फ्री सर्विस और भाई सबसे रिलायबल इंजन भाई, पूरे फोर्स के पोर्टफोलियो में यही इंजन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो मैं हूँ यहाँ पे रोहित ऑटो व्हील प्राइवेट लिमिटेड पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो कंप्लीट अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। मैं हूँ संचित सक्सेना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।